दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या धरती समुद्र के पानी में डूबने वाली है? क्या पिघलते ग्लेशियर की वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी? दोस्तों आप लगातार ये सुनते आ रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में समुद्र का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी नहीं बचेगा, पानी पूरी दुनिया को अपने साथ बहा ले जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको किसी साइंस फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहे, बल्कि वो सच सुना रहे हैं जो हमारा भविष्य बनकर हमारे सामने आने वाला है। अब ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहे इन वीडियोस को तो आपने देखा ही होगा, जहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूट कर गिरते जा रहे हैं। बर्फ के इन ग्लेशियर्स का धीरे धीरे पिघलना और टूट कर गिर जाना किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरी प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं और चली जाती हैं, और वैसे भी भूकंप किसी खास इलाके में आता है, बाढ़ बारिश किसी खास इलाके में आती है, लेकिन एक बार अगर ग्लेशियर ने पिघलना शुरू कर दिया और बर्फ पानी में बदलने लगी तो समुद्र का जल स्तर वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर उसे वापस से बर्फ में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है, जहां आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को देख सकते हैं। दोस्तों इसके द्वारा जारी की गई जानकारी में इन तस्वीरों के साथ इसरो ने बताया कि साल दर साल हिमालय की झीलों का आकार और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1989 में जिस झील का आकार करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार आज बढ़ते बढ़ते 101 हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों इसरो ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि हिमालय की 601 झीलें दोगुना से ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये सब कुछ ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ है। जहां ग्लेशियर पिघलकर समुद्र के पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से समुद्री जल का स्तर बढ़ने लगता है और इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे आखिर ये ग्लेशियर इतना ज्यादा क्यों पिघल रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे की वजह भी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही तो हैं, क्योंकि ग्लेशियर बढ़ते तापमान की वजह से पिघलता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 1880 से लेकर अब तक धरती का औसतन तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले दो दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों धरती का तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे, और दोस्तों ग्लेशियर के पिघलने से कई तरह के खतरे हैं, जिससे हिमालय में झीलों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे झीलों के फटने का खतरा पैदा हो जाता है, और ऐसा अक्टूबर 2023 में भी देखने को मिला था। तब सिक्किम की लोनार झील फटने से बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिस वजह से 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों झील फटने से नदियों में बाढ़ आने का खतरा पैदा होता है, झील का पानी रिसने पर भूस्खलन की स्थिति पैदा होती है, झीलों का पानी समुद्र में जाएगा जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। एशिया के देशों में मीठे पानी का स्रोत ग्लेशियर से ही है, ऐसे में जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पीने के पानी को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ सालों में ग्लेशियर के पिघलने से एशिया के 12 से ज्यादा देश का करीब 2 अरब लोगों के पीने के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये ग्लेशियर एशिया के करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां शामिल है। और ग्लेशियर पिघलने का खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर भी खतरे की घंटी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 के बीच समुद्र का जल स्तर 4.62 मिलीमीटर की दर से बढ़ा है, जो कि साल 1993 से 2002 से भी दुगुना है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जल स्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा
तो साल 2100 तक दुनिया के 5 देश समुद्र में पूरी तरह समा जाएंगे, यानी कि वहां रहने लायक कोई भी जगह नहीं बचेगी। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में मालदीव समुद्र में पूरी तरह से समा सकता है और कुछ ही समय में यह संकट भारत के ऊपर भी मंडराने लगेगा। आम लोगों को भले ही यह खतरा महसूस ना हो रहा हो, लेकिन दोस्तों जिस स्पीड से धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, वरना दुनिया को तबाह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समुद्र का बढ़ता जल स्तर धरती के विनाश की बहुत बड़ी वजह बन सकता है और ऐसा धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से होगा, जहां धरती के तापमान में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में ज्यादा फैलना है। क्योंकि दोस्तों हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीज से कार्बन निकलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री से कार्बन निकलता है, हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल से कार्बन रिलीज होता है, यहाँ तक कि हम इंसानों द्वारा छोड़ी गई सांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों साल 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 5 बिलियन मैट्रिक टन था, जो कि साल 2021 में 7 गुना बढ़कर 36 बिलियन मैट्रिक टन पहुंच चुका है। दोस्तों बिजली बनाने में कोयले के इस्तेमाल से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ चुकी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और आपको भले ही ये बढ़ता तापमान इतना परेशान न करे, लेकिन जब ठंडे इलाकों में यही तापमान बढ़ने लगता है तो ग्लेशियर धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाते हैं, जो आने वाले समय में धरती के लिए सर्वनाश लेकर आएंगे। अब दोस्तों धरती के बढ़ते तापमान को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा, और ये तभी होगा जब हम पेट्रोल डीजल और कोयले पर आत्मनिर्भरता छोड़ देंगे। इसकी वजह ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के कई सारे देश हैं जो एनर्जी ग्रीन वाली को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेट्रोल डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कम हो जाए। उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना होगा, क्योंकि पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का काम करेंगे और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन फैलाएंगे। उसके अलावा जो पॉपुलेशन है उस पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये भी बढ़ते तापमान का एक कारण है, जहां इंसान अपनी जाने अनजाने में की जाने वाली गलतियों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं, जिस कारण तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर अब आपको हमारी पृथ्वी को बचाए रखना है तो वीडियो में बताई गई चीजों पर ध्यान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम यहाँ से रुख्सत लेने वाले हैं। बाकी आपके वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।